मधुवन सल्याला रसूल करीम अम्मा बाद औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी की प्यारी बातों में पहले सेक्शन में हमने देखा कि शोहर के हुकूक बीवी के लिए क्या थे है, और अब ये सेकंड सेशन में हम देखेंगे बीवी के हुकूक शोहर के लिए क्या है। पहली जिम्मेदारी है कि बीवी खुशी के साथ शोहर की इताअत करे। कुरान पाक में कहा गया है कि नेक औरतें फरमा बद्दार होती है, एक तरफ अल्लाह की इताअत गुजार और दूसरी तरफ शोहर की इताअत गुजार। औरत की दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आबरू और इज्जत की हिफाजत करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करे, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे और शोहर की फरमा बद्दार रहे तो वो जन्नत में जिस चाहे वो दरवाजे से दाखिल हो सकती है। इसलिए शोहर की मर्जी के बगैर कहीं जाना नहीं चाहिए, शोहर को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि उसका शोहर उससे खुश है तो वो जन्नत में दाखिल होंगी। शोहर की नाशुक्री करना अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। कयामत के दिन अल्लाह ताला उस औरत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा तो शोहर की नाशुक्री होगी। और औरत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने घर बार मालो अजबाब और जिम्मेदारियों में शोहर की मददगार रहे और वफादार रहे। जब शोहर कहीं चला जाए तो अपनी आबरू और उसकी मालो दौलत की हिफाजत करे। ये थी चंद बातें औरत की शोहर के हुकूक में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।